तो है व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे तुम लोग। तो देखो माया नगरी गेम अभी रिलीज होने ही वाला है, जस्ट मैं अगर तुमको बोलूं तो कैसा लगेगा। अरे यार आई नो यार तुमको अच्छा ही लगेगा, बट फिर भी मैंने एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया। तो देखो यहाँ पर माया नगरी गेम कब रिलीज होगा आज का वीडियो का मेन टॉपिक है। बीटा यहाँ पर कब रिलीज होने वाला है और अगर iOS और यहाँ पर एंड्रॉइड के लिए एक साथ रिलीज होगा क्या नहीं, और सब कुछ के बारे में बात करने वाले है जो यहाँ पर बात किया जा सकता है अभी तक माया नगरी के बारे में। तो चलो यार आज का वीडियो शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं ऑसम फैक्ट्स अबाउट माया नगरी। अरे रुको यार, देखो यहाँ पे नीचे ना लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, अभी दिख रहा है का नहीं देख के बताओ यार। अगर दिख रहा है ना तो सब्सक्राइब कर भी दो, देख लिया है इतना मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्या जा रहा है। तो यार माया नगरी गेम का हर एक बंदा यार काफी इंतजार कर रहा है क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स है वो काफी इंप्रूव हो चुका है एंड यहाँ पर खेलने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन वाइब भी तुमको मिलने वाला है इसके साथ। और डेफिनेटली यार तुमको भी माया नगरी गेम के बारे में पता ही होगा ना, दैट्स व्हाई इस वीडियो को तुम देख रहे हो। तो ये गेम कब रिलीज होने वाला है वो है मेन बात, और ये गेम रिलीज होने के बाद यहाँ पर हमको किस किस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा पहले। तो देखो अकॉर्डिंग टू माय नगरी टीम हमको ये गेम देखने को मिलेगा इस साल के सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर के अंदर हमको ये गेम देखने को मिलेगा। एंड मैंने तुमको बता ही दिया था हाई पॉसिबिलिटी है ये हमको 15 अगस्त को देखने को मिल सकता है क्योंकि एक बहुत ही सूटेबल टाइम है उस टाइम रेंज के अंदर। तो देखो ये गेम ना फर्स्ट यहाँ पर एंड्रॉइड में रिलीज होने वाला है, देन यहाँ पर iOS के लिए रिलीज होने वाला है। तो देखो यहाँ पर iOS वाले को थोड़ा सा ज्यादा वेट करना पड़ेगा, बट वो उनको जरूर से बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। बट हाँ अभी भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन करना बाकी है एंड काफी ज्यादा एनहांसमेंट करना बाकी है। iOS के लिए प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, बीटा रिलीज होने वाला है, तो अभी टाइम तो लगेगा बट यहाँ पर वेट तो तुमको करना ही पड़ेगा। देखो अकॉर्डिंग टू देयर टीम मैनेजमेंट अभी तक तो यही प्लान है, अभी इसके ऊपर कोई कौन सा प्लान करने वाला है वो तो अभी फिक्स नहीं है, बट यहाँ पर ज्यादातर तो एकदम प्रॉपर एकदम फिक्स प्लान यही होने वाला है। 100% तो नहीं बोल रहा बट 90% फिक्स है यही वाला प्लान होगा। एंड यार तुमको माय नगरी गेम खेलने के लिए एक हेवी डिवाइस चाहिए होगा क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो भाई 2-3 GB फोन में खेल लोगे तो देखो पॉसिबल नहीं है, तुमको लोअर ग्राफिक्स करके खेलना पड़ेगा। बट अगर हाई एंड ग्राफिक्स करके खेलना चाहते हो तो अच्छा खासा रैम वाला प्रोसेसर वाला फोन चाहिए होगा। एंड देखो मैं ये बना के नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक तो इनके टीम मैनेजमेंट ने यही बोला है, अभी यहाँ पर गेम का एनहांसमेंट ऐसा नहीं किया गया है, ऑप्टिमाइजेशन ऐसा लेवल का नहीं किया गया है जिससे यहाँ पर एकदम लोअर जीबी फोन में भी तुम खेल पाओ। एंड यार लिटरली बोलना पड़ेगा इस गेम का ग्राफिक्स कभी अच्छा होने वाला है, एंड यार लिटरली बोलना पड़ेगा इस गेम का जो ग्राफिक्स होगा काफी अच्छा होने वाला है इन एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड में यार काफी अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक तो, और काफी अच्छा अगर ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं देन यहाँ पर नंबर 1 गेम बन सकता है। बाकी देखा जाएगा, तुम अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो चले मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा एंड जय हिंद।